हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब के वेलकम नॉलेज चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का नया टॉपिक है यूज ऑफ बेसाइड्स एंड एक्सेप्ट। यूज ऑफ बेसाइड्स एंड एक्सेप्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसाइड्स और एक्सेप्ट ये दोनों है क्या। दोस्तों, बेसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों हमारे हैं प्रीपोजिशन। दोस्तों क्या है, दोनों हमारे हैं प्रीपोजिशन। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी हिंदी की, इन दोनों की हिंदी क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसाइड्स की हिंदी होती है अतिरिक्त या के अलावा। दोस्तों, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में अतिरिक्त या के अलावा हिंदी वर्ड्स आए तो वहाँ पे हमें बेसाइड्स यूज करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में सिवाय या के बिना ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ हमें एक्सेप्ट का यूज करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेसाइड्स कि बेसाइड्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और किस सेंस में करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स की, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वह स्कूल के अतिरिक्त घर पर भी पढ़ता है। तो दोस्तों, वह स्कूल में तो पढ़ता है, स्कूल के अतिरिक्त घर पर भी पढ़ता है। एक जगह तो पढ़ रहा है, वो एक जगह के अलावा दूसरी जगह भी पढ़ रहा है। दोस्तों, ये सेंटेंस में अतिरिक्त आया है और अतिरिक्त जहाँ आएगा वहाँ हमें यूज कर रहा होगा बेसाइड्स का। हम लोग और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि हमने लिखा, हम दूध के अतिरिक्त चाय भी पीते हैं। तो दोस्तों, मैं दूध तो पी ही रहा हूँ और दूध के अतिरिक्त हम लोग क्या पी रहे हैं, हम लोग चाय भी पी रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम यूज करना होगा बेसाइड्स का। आगे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की और बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है गणित के अतिरिक्त राजू अंग्रेजी पढ़ता है। तो दोस्तों, जो राजू है वो गणित तो पढ़ ही रहा है, गणित के अलावा वो अंग्रेजी भी पढ़ता है। तो दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं गणित के अतिरिक्त। तो अतिरिक्त की दोस्तों मीनिंग हमारी होती है, यहां हम लोग यूज करेंगे बेसाइड्स। बेसाइड्स के बाद में हमने लिखा है मैथ्स। तो दोस्तों, हमारा एक तरह का पोर्शन फिनिश हो गया गणित के अतिरिक्त, तो बेसाइड्स मैथ्स। अब क्या बच रहा है, राजू अंग्रेजी पढ़ता है। तो हमने यहां लिख दिया राजू पढ़ना की रीड्स और क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश। क्या पढ़ रहा है दोस्तों, इंग्लिश। फिर सब लोग बात करते हैं गणित के अतिरिक्त राजू अंग्रेजी पढ़ता है। तो बेसाइड्स मैथ्स, गणित के अतिरिक्त क्या बच रहा है, राजू अंग्रेजी पढ़ता है। तो राजू रीड्स इंग्लिश। दोस्तों, नया एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा नया एग्जाम्पल है करण के पास बंदूक के अतिरिक्त, बंदूक के अतिरिक्त तलवार भी है। दोस्तों, यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ जो भी लिखा है हमें भी की इंग्लिश नहीं बनानी होगी। तो दोस्तों, क्या लिखा है, करण के पास बंदूक के अतिरिक्त तलवार भी है। तो पास वाला सेंटेंस है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा जब पास वाला सेंटेंस होता है तो वहाँ हैज एव हैड का यूज करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसका वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो करण के पास, तो दोस्तों हमने कैसे लिखा, करण हैज, क्या हो दोस्तों, करण हैज तलवार, तो ए शॉर्ट, करण हैज ए शॉर्ट, बंदूक के अतिरिक्त, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसाइड्स बंदूक की क्या हो जाएगा दोस्तों, ए गन। फिर से देख लेता हूं, करण के पास बंदूक के अतिरिक्त तलवार भी है। करण के पास तलवार तो है ही, तलवार के अतिरिक्त इनके पास क्या है, बंदूक भी है। तो हम लोग कैसे बनाया है, करण हैज ए शॉर्ट, करण के पास एक तलवार है बेसाइड्स गन, बंदूक के अतिरिक्त। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल क्या है, आशीष स्कूल के अतिरिक्त घर पर पढ़ता है। तो आशीष स्कूल में तो पढ़ता है, स्कूल के अतिरिक्त वो घर पर भी पढ़ता है। तो आशीष स्कूल के अतिरिक्त घर पर पढ़ता है या घर पर भी पढ़ता है, दोस्तों बात एक ही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आशीष स्कूल के अतिरिक्त घर पर भी पढ़ता है। तो आशीष पढ़ना की दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, रीड या स्टडीज,
आशीष स्टडीज एट होम स्कूल के अतिरिक्त, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बेसाइड्स स्कूल। दोस्तों फिर समझ लेते हैं, आशीष स्कूल के अतिरिक्त घर पर भी पढ़ता है, तो आशीष पढ़ता है एट होम घर पर, बेसाइड्स स्कूल। दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्सेप्ट की। दोस्तों एक्सेप्ट की बात हम करते हैं जब पूरे ग्रुप की बात की जाए और ग्रुप में किसी एक को छोड़कर सब की बात करें, तो वहां दोस्तों हमें यूज करना होता है एक्सेप्ट का। कहते हैं हमने लिखा है नितिन के सिवाय, नितिन के सिवाय सभी विद्यार्थी होनहार हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नितिन के सिवाय सभी विद्यार्थी होशियार है। सभी विद्यार्थी क्या है, होशियार है, किसको छोड़ के, नितिन को छोड़ के। यहाँ पे पूरे समूह में से किसी एक को छोड़ देते हैं, किसी एक के बिना होता है। और बेसाइड्स वाले में क्या हो रहा था, बेसाइड्स वाले में एक तो था ही, दूसरे को भी साथ में ले लेते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, नितिन के सिवाय, सिवाय के यहाँ पे क्या हम लोग बनाएंगे, एक्सेप्ट। क्या दोस्तों करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट नितिन सभी विद्यार्थी होशियार हैं, तो आर दी स्टूडेंट्स आर क्या है दोस्तों, होनहार। और होनहार की मीनिंग दोस्तों होती है प्रॉमिसिंग। क्या होती है दोस्तों, प्रॉमिसिंग। हम लोग एक एग्जांपल की और बात करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है आपके पास कार के, आपके पास कार के सिवाय आपके पास कार के सिवाय सब कुछ है। तो दोस्तों आपके पास सब कुछ है, किसको छोड़ के, कार को छोड़ के, किसको छोड़ के, कार को। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, आपके पास कार के सिवाय सब कुछ है, तो यू पास वाला सेंटेंस है, तो है यू हैव सब कुछ है, तो एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग किसको छोड़ करके, कार को छोड़ के। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट ए कार। दोस्तों फिर से देख लेते हैं, आपके पास कार के सिवाय सब कुछ है, तो यू हैव एवरीथिंग आपके पास सब कुछ है, एक्सेप्ट ए कार, कार के सिवाय। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।